गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास फिफ्थ के लिए इंग्लिश ग्रामर सॉल्यूशन शीट 5। देखिए बच्चों, इसमें हमारा चैप्टर 3 है सिनोनिम्स। इससे पहले हमने एंटोनिम्स पढ़े थे। एंटोनिम्स यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द होते हैं। सिनोनिम्स यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची भी जैसे हिंदी में कहते हैं, तो ये वो वाले शब्द होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा आंसर, ANSWER, आंसर। आंसर मींस होता है उत्तर देना या जवाब देना। इसका एक सिनोनिम्स यानी इसका पर्यायवाची होगा जैसे रिप्लाई, रिप्लाई या रेस्पोंड। उसी तरीके से होता है आस्क, आस्क मींस पूछना, मांगना या प्रश्न करना। तो इसका क्या होगा, बैग या इंक्वायरी, आप किसी चीज की इंक्वायरी कर सकते हैं। बॉय, बॉय यानी लड़का या बालक, या इसको कुमार भी कह देते हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा, लेड, लेड मीन्स भी लड़का होता है। ब्लॉक, BLOKE। बैटल, बैटल यानी लड़ाई, जो बड़ी लड़ाई होती है युद्ध, उसे हम वॉर भी कहते हैं, फाइट भी कहते हैं और कॉम्बैट भी। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर या खूबसूरत। इसका एक सिनोनिम क्या बनेगा, हैंडसम, चार्मिंग, प्रेटी। इसी तरीके से बिगिन, बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना या शुरू करना, जैसे स्टार्ट, इनिशिएट और कमेंस। इन सब का अर्थ भी क्या होता है, आरंभ करना या स्टार्ट करना। बिग, देखिए बिग बड़ा, विशाल। लार्ज, लार्ज मीन्स भी बड़ा। ह्यूज, ह्यूज मीन्स भी बड़ा। और वाइड, वाइड मीन्स भी बड़ा या बहुत ज्यादा या बहुत विशाल। ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर, वीर, इसको हम बोल्ड भी कहते हैं। करेजियस, करेजियस भी हम इसको कहते हैं। और डॉन्टलेस, डॉन्टलेस भी इसको हम कहते हैं। क्राइम यानी अपराध, जुर्म। सिन, सिन यानी पाप भी कह देते इसको। गिल्ट, अपराध। और परपेट्रेशन, परपेट्रेशन भी आपके क्या होता है, अपराध या जुर्म या कोई इस तरीके से घिनौना वर्ग जो होता है। कूल यानी ठंडा, शीतल, इसको हम कहते हैं कोल्ड। चिल, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। कैच, कैच यानी पकड़ना या चारों तरफ से जैसे बंद करना या बंदी करना, उसको इसको क्या कहते हैं, होल्ड। कैप्चर, क्लैस्प, क्लैस्प भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए डिनाय, डिनाय यानी मना करना, त्याग करना या अस्वीकार करना। किसी चीज के लिए हम, कोई हमसे पूछता है कि आप ये खाओगे या आप ये काम करोगे, तो हम क्या कहते हैं, उसको मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिजेक्ट या रिफ्यूज या डिस्कार्ड। ये इसके 3 सिनोनिम्स हैं। देखिए आपकी बुक में एक एक लिखा हुआ है, लेकिन फिर मैंने इसमें दो दो आपको एक्स्ट्रा लिखे हैं ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। डाउट, डाउट यानी शक, संदेह, संशय, तो इसको हम कहते हैं सस्पिशन या सरमाइज, सस्पिशन या सरमाइज। एरर, एरर यानी त्रुटि, भूल, गलती, इसको हम सिनोनिम्स में कैसे लिखेंगे, देखिए मिस्टेक, लैप्स, मफ या गैफ। फ्रीडम, आजादी या स्वतंत्रता, इसको कहते हैं लिबर्टी। और इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मनाते हैं ना हम इंडिपेंडेंस डे, आजादी का दिन, तो वो वाला इंडिपेंडेंस डे।
फोर्स यानी ताकत, बल, इसको कहते हैं पावर, पोटेंशी और स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसे। फॉय, फॉय यानी शत्रु, दुश्मन, इसको हम कहते हैं एनिमी, एनिमी और ओपोनेंट, ओपोनेंट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख या बेवकूफ, इसको हम कहते हैं स्टूपिड, सिली, फैचुअस, फैचुअस, इसको हम फैचुअस भी कहते हैं। जेंटल, भद्र, शरीफ या सज्जन, कोई भी ऐसा आदमी जो बहुत ही सज्जन हो, शरीफ हो तो वो जेंटल होता है, इसको हम सिनोनिम्स में कैसे लिखेंगे, नोबल या लिबरल। इसके अलावा और देखिए, देखिए इधर जैसे हाउस, हाउस यानी घर, मकान, होम भी कह देते हैं इसे, प्रेमिसेस भी कह देते हैं, और मेंशन, होली यानी पवित्र या पावन, सेक्रेड, गॉडली, पायस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ऑनर, ऑनर यानी सम्मान, आपके सम्मान में, इन योर ऑनर, तो आदर सत्कार, आदर सत्कार भी कहते हैं इसे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखिए रेस्पेक्ट, ग्रीटिंग, जर्नी यात्रा या सैर, इसको हम सिनोनिम्स में कैसे लिखेंगे, ट्रेवल, टूर, पैसेज या इटरेशन। किल, किल यानी हत्या करना, मारना या वध करना या किसी चीज को नष्ट करना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए मर्डर। और स्ले, रिच, रिच यानी अमीर या धनवान, समृद्ध, इसके लिए क्या होगा, देखिए वेल्दी, मनीड और अफ्लुएंट, वेल्दी, मनीड और एफ्लुएंट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, पक्का, दृढ़, बलवान, इसको हम क्या कहेंगे, फर्म, पावरफुल और मैसी। से यानी कहना, बोलना यानी बातें करना, इसके लिए हम क्या कहेंगे, स्पीक, टॉक और टेल। स्नो, स्नो यानी बर्फ, हिमपात, जब आसमान से बर्फ गिरती है ठंडे इलाकों में तो उस बर्फ को भी हम स्नो कहते हैं, या उसका बर्फ का गिरना भी स्नो कहलाता है, और इसको हम एक सिनोनिम से यूज करते हैं आइस। ट्रू, सत्य, सही, सच, ठीक, इसके लिए हम क्या कहेंगे, करेक्ट, राइट, एक्यूरेट। अब देखिए हमारी एक एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज में देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज, मैच द वर्ड्स गिवन अंडर ए विद देयर सिनोनिम्स अंडर बी। यहां पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और यहां उसके सिनोनिम्स दे रखे हैं, तो आपको मैच करने हैं। जैसे बिगिन, बिगिन का सिनोनिम क्या होता है, स्टार्ट, यहां पर मैंने एक मैच किया हुआ है, बाकी आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट देखिए एक और एक्सरसाइज आती है हमारी, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई यूजिंग सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन इन कलर्ड टाइप। यहां पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको आपको दोबारा लिखना है। ये जो आपको रेड कलर में जो सिनोनिम दे रखे हैं, इनका कोई दूसरा सिनोनिम यूज करके आपको लिखना है। जैसे देखिए मैंने यहां पर सेकंड वाला किया हुआ है, ए बैटल इज नेवर गुड, तो बैटल का हमने सिनोनिम वर्ड पढ़ा है, वार है, कॉम्बैट है, फाइट है, तो उसके लिए हम सेंटेंस को दोबारा कैसे लिखेंगे, ए वॉर इज नेवर गुड या ए फाइट इज नेवर गुड या ए कॉम्बैट इज नेवर गुड। तो आप कोई सा भी सिनोनिम ले सकते हैं, यहां पर मैंने आपको बहुत सारे सिनोनिम्स लिखाए हैं। इसी तरीके से देखिए, जैसे ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत ही सज्जन है, तो ही इज वेरी नोबल, मैंने यहां पर नया वर्ड ले लिया, ही इज वेरी नोबल, ये जेंटल का क्या है, सिनोनिम है, या आप यहां पर लिबरल भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको करने हैं सारे के सारे।
और इनको लर्न भी करना है, करने के साथ साथ इनको लर्न भी करना है, और वीक में एक बार अपनी कॉपी जरूर चेक करा के जाएं। थैंक यू।